गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। सो अभी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकला हूँ। मेरा डे टू है वियतनाम और हनोई में। तो बेसिकली मेरा आज का जो प्लान है वो एक स्नेक फार्मिंग विलेज है, यहाँ से 7 किलोमीटर के पास है। तो वहाँ पे एक्चुअली स्नेक की फार्मिंग की जाती है और स्नेक की वाइन बनाई जाती है, जिसमें कोबराज और बहुत अलग अलग तरह के स्नैक्स होते हैं। तो आज उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ एक इंडियन भाई होने वाला है। तो अभी लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं एक दो इंडियन भाइयों के साथ डिनर कर रहा था, तो उनमें से आज एक मुझे ज्वाइन करने वाला है। तो भाई आ चुके और हम लोग अभी निकल चुके हैं ले मैट विलेज के लिए। देखते हैं, अगर पूरी प्रोसेस देखने को मिली तो सही होगा, अगर नहीं मिला तो वाइन तो ज़रूर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो लोग वहाँ पर सेल भी करते हैं। तो लेट्स गो। सो ये जगह है रन राव नाम से, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो एक्चुअली ये वाइन सेल करते, जो स्नेक्स को प्रिजर्व करके जो वाइन बनाई जाती है वो सेल करते। 7 किलोमीटर है मेन हनोई टाउन से। दिस वन वाओ, ये आप एक बड़ा सांप है अंदर, और यहाँ पे भी बहुत सारे लुक। थोड़ा डरावना है, साफ है, लेकिन इनको खाना हमारे लिए तो सही, हमारे लिए तो नॉर्मल नहीं है और थोड़ा अजीब सा है, लेकिन यहाँ पे एक फूड कैटेगरी में आता है। चाइनीज़ मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से इसकी फार्मिंग भी होती है और इससे वाइन भी बनाई जाती है और इसे खाया भी जाता है। सो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। वाओ, सो ये जो वाइन से बनी हुई, ये पूरा ये वाइन से, और ये क्या है पता नहीं, ये क्या वेनम है क्या इसके अंदर, आई डोंट नो। लेकिन आप स्नेक्स की स्किन्स के बने हुए शूज भी पहन सकते हो। सो ये छोटी वाली जो बॉटल है ये 200K की चार्ज होती है, ये बड़ी वाली 700K। एंड जो अल्कोहल की क्वांटिटी इसके अंदर आई थिंक वो 40% है। कुछ लोग यहाँ पे आए, उनके ही लगाए हुए। ये वाली फनी पिक्चर है थोड़ी। हम टच भी कर सकते बोल रहे स्नैक्स को, बट एक्चुअली मैं चाहता हूँ या नहीं ये मुझे ही नहीं पता। आई थिंक उसके वेनम निकाल दिया है उसके, तो पाबूस ने इस वेमनस, इस वेमनस और इस अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्नैक्स की डिश ट्राई भी कर सकते हो। ये रेस्टोरेंट भी है और एक छोटा सा म्यूजियम टाइप भी बोल सकते हो, जहाँ पे आप वाइन के बारे में या फिर स्नैक फार्मिंग के बारे में जान सकते हो। तो वहाँ पे उनका किचन है। ओके, सो प्लीज़ भरत भाई, कल इनका चेहरा नहीं दिखाया था लेकिन आज देख लो। सो उनके साथ ही आया हूँ मैं अभी। तो ये किचन है, किचन तो नॉर्मल लग रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहा, नॉर्मल किचन जैसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे जो सारे स्नैक्स है वो बैम्बू स्नैक्स है, बैम्बू कोबरा बोला जाता है उनको। एंड यहाँ पे उसका रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पे आप अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो कि मुझे स्नैक की डिश ट्राई करनी है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और मैंने एक किचन बाय कर लिया है जो स्नैक्स की स्किन से बना है।
सब कुछ हम फ्री में टूर ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ यहाँ से यू नो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, फ्री में सब सारी चीज़ें यूज़ कर रहे, देख रहे, वीडियो बना रहे, उन्होंने हमारे लिए छोटा सा शो भी ये किया, तो मुझे सही नहीं लगा कि है ना बिना कुछ लिए बस खाली वीडियो के लिए आओ और निकल जाओ, इसलिए मैंने एक छोटा सा बाय कर लिया। मैं तो खुद कभी यूज़ नहीं करूँगा इसको, शायद किसी को गिफ्ट कर दूँ। एंड या मैन थैंक यू, सी यू, बाय बाय बाय। और ये मेनू कार्ड है, अगर आपको कुछ खाना ही है तो आप ट्राई कर सकते हो।